सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, सेफ एंड साउंड। तो आज फाइनली ना मैं अपने मिशन पे एकदम, मैंने अपना मिशन कंप्लीट किया। लाइक मैंने जो बोला मैंने वो किया। कल मैंने डिसाइड किया कि मैं 6 बजे तक उठ जाऊंगी। फाइनली मैं आज 6 बजे तक उठ गई। सोचो आप कितना ज़्यादा अच्छी बात है ये। एंड सुबह सुबह उठने का मज़ा ही कुछ और है, बट सज़ा भी बहुत मिलता है। लाइक खांसी हो गया मुझे। और ये देखो, कल रात को मैं ये बांध के, ऐसे ही वाला बांध के मैं सोई थी, और अभी भी है। मैं खोल लूँगी अभी, वरना बाल सब पूरा कर्ली हो जाएगा। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं जाके चाय वाय बनाती हूँ। पापा मम्मी भी उठ गए, साथ में दी भी उठ गई, और डुगू तो उठ ही गया, उसको क्या ही बोलूँ। तो चलो अभी किचन में जाके जल्दी से चाय वगैरह बनाते हैं। तो चलो अभी जल्दी से बना लेती हूँ इधर चाय। सो गाइस, चाय वाय पी लिया और बाल भी मैंने खोल लिया और ऊपर एकदम अच्छे से बांध लिया। कौन सा अजीब भी लग रहा था, कल बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रही थी, बट अभी थोड़ा अजीब। तो मैं अभी पढ़ूंगी बैठ के, मोबाइल से थोड़ा सा पढ़ूंगी। आज उठी हूँ जल्दी, तो थोड़ा सा पढ़ना तो बनता है ऑफकोर्स, और पढ़ाई भी ज़रूरी है। और बाय द वे, मैं आप लोगों को बोलने वाली थी कि आप लोग वीडियो को देखो। आज का वीडियो भी काफ़ी खास होने वाला है गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैं अभी जाती हूँ थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नहाने। अभी फ़िलहाल बजे 7:30, तो चलो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो गाइस, मैं नहा धो के आ गई, पापा के दुकान से भी आ गई। पापा को ब्रेकफास्ट देके अभी करना है मुझे अपना ब्रेकफास्ट। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, और आपको मैं क्या ही बताऊँ, सुबह उठने का इतना ज़्यादा एक फ़ायदा होता है कि सब काम ना जल्दी से ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद कुछ टेंशन ही नहीं रहता। बाय द वे, मैं अभी जाती हूँ जाके अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है दलिया, बहुत दिनों के बाद। इतना दिनों से ना जस्ट फ्राइड राइस खा रही थी, मतलब राइस को जो फ्राई करती है मम्मी वही खा रही थी। और वैसे मैं सुबह के टाइम राइस नहीं खाती हूँ, बट आजकल मेरे को ज़्यादा ही राइस खा रही हूँ, और मैं मोटी हो गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मुझे अपना डाइट कंट्रोल करना ही होगा। ठीक है, तो चलो, बींग अ फूडी मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। तो अभी मैं जाके दलिया खाऊंगी। कल मैंने मम्मा को स्ट्रिक्टली बोल दिया कि सुबह के टाइम आप मुझे दलिया ही दोगी, साथ में रात को भी मैं दलिया या फिर केलॉग्स कुछ खा लूँगी, बस दोपहर को ही मैं राइस खाऊंगी। तो मम्मी मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटती है मुझे ना। मम्मी क्या, दी भी, बाप रे, मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं करते ये लोग। और दी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटती है, वो तो हमेशा मुझे एकदम खाना खिला खिला के देती है। तो अभी मैं, चलो इतना ज़्यादा बकबक कर रही हूँ, तो चलो मैं जल्दी से अभी जाके खा लेती हूँ, और आप लोग वीडियो को देखते रहो। सो गाइस, हेयर इज द ब्रेकफास्ट, दलिया एंड साथ में एक मिठाई, ये देखो। सो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं रेडी क्यों हुई हूँ, बिकॉज मैं और मम्मा अभी जा रहे हैं थोड़ा सा सिलचर, बिकॉज हमको थोड़ा सा मार्केटिंग करना है, बिकॉज बेंगलुरु न्यू ईयर आ रहा है। तो हम लोग ना बेंगलुरु न्यू ईयर के टाइम न्यू ड्रेसेस पहनते हैं, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो क्या करती हूँ क्या नहीं, वो तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ही, तो वीडियो को देखते रहो। और बाकी मैं थोड़ा सा हल्का सा रेडी हूँ। देखो कौन, मतलब गाय की तरह बाइक चलाता है। तो मैंने ये स्लिंग बैग लिया, मेरा फेवरेट, इसका वीडियो तो मैंने डाल ही दिया है। और मम्मी भी रेडी हो चुके, तो अभी हम लोग निकल जाएंगे। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल जाते हैं, कॉल से अभी लेट हो रहा है। चलो दिगु, आशा मशीन आशा, ओले बाबा ले, ओले बाबा ले, दुष्टा टाटा, बोलो हाय। सो गाइस, अभी हम आए हैं नानी के घर, अभी थोड़ा सा चाय पिया और स्कूटी इधर सामने पार्क की है, इधर रखा है स्कूटी। अभी हम लोग निकल जाएंगे, और बाहर इतना ज़्यादा धूप है ना, गर्मी में जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बट फिर भी जाना तो होगा। तो चलो अभी फ़िलहाल जाते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग बैठ गए हैं रिक्शा पे, बिकॉज पैदल जाने का कोई सवाल ही नहीं होता, इतना ज़्यादा धूप है। और मैं और मम्मी चढ़ चुके हैं रिक्शा।
जाते हैं। और हमने मैंने स्कूटी नहीं लिया क्योंकि ना उधर रखने का जगह नहीं मिलता मुझे, और मैं ना कभी टाउन में नहीं जाती हूँ स्कूटी लेके, मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो मैंने नानी के घर में ही रख दिया। और दूसरा रीज़न ये है कि स्कूटी से अगर जाऊँगी ना तो अच्छे से मतलब सब जगह पर नहीं घूम सकती, तो इसलिए अभी सोचते ही जा रहे हम लोग, तो चलो अभी फिलहाल जाते हैं। ब्लॉग करती हूँ ना, सब लोग मेरे मुंह पे देखते रहते हैं, पता नहीं गाइस मतलब मैं क्या जो क्या कर रही हूँ, मैं अपने ही मोबाइल से वीडियो कर रही हूँ ना, मैं किसी का मोबाइल लेके थोड़ी कर रही हूँ, उनको क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, अजीब लोग हैं, छोड़ो उनको कौन ही देखता है, मैं तो देखती भी नहीं हूँ, कभी कभार देखती हूँ बट थोड़ा सा लगता है शर्म, बट फिर भी आई डू मैंने। ये वाला मंदिर का बहुत ही ज़्यादा मान्यता है गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट पे और इतना ज़्यादा भीड़ है, आवाज़ है इसलिए, तो मैं वॉइस ओवर दूँगी सब कुछ, तो बस कैमरे से दिखाऊंगी और वॉइस ओवर दूँगी। इतना ज़्यादा भीड़ है गाइस, तो गाइस मैं ना यहाँ वॉइस ओवर दे रही हूँ बिकॉज इतना ज़्यादा भीड़ था कि आपको मेरा आवाज़ तो सुनाई ही नहीं देता। तो सबसे पहले हम आ गए हैं मॉल पे, इतना धक्का मुक्की खा के बहुत ही ज़्यादा भीड़ था गाइस। तो देखो यहाँ कलेक्शन क्या ही बताऊँ, जो था पहले सेम वैसे ही है, इसलिए ना मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया, एंड सब खिंडा हुआ था इधर उधर सब ड्रेसेस, एंड सेक्शन ना इतना चेंज हो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा था अच्छे से, बट फिर भी हमने पापा के लिए लिया, हमारे लिए लिया, और फिर आ गए घर। देखो बिलिंग के वक्त देखो आप इतना ज़्यादा भीड़ था कि क्या बताऊँ गाइस, लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली हमारा टर्न आया, हमने बिलिंग किया अपना, फिर हम आ गए, फिर रास्ते में ना एक आइसक्रीम खाया हमने, मैंने और मम्मा ने मिलके एक ही लिया था बिकॉज मेरा और मम्मा का दोनों का ही गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए हमने एक ही लिया, हमने मिलके खाया बिकॉज मम्मी का तो कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था गाइस, एंड धूप में ना ऐसा खाना सही नहीं है। फिर हम आ गए हैं घर, घर आने के बाद मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई गाइस, हम घर पहुँचे 3 बजे और इतना ज़्यादा मतलब टायर्ड हो गई थी ना, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाई, तो ठीक है चलो आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय द वे ये बता देती हूँ, जो लाया वो मैं कल शेयर कर दूँगी, अभी के लिए टाटा।